नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ ताजा तरीन खबरें। आजमगढ़ जिले के अहरौला बाईपास के पकड़ी चौराहे का रोड टूटकर हुआ जर्जर, कभी भी हो सकती है बहुत बड़ी दुर्घटना। बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से अक्सर गाड़ियां पलट जाती हैं, बारिश के मौसम में जलजमाव भी हो जाता है, जिससे दुकानदारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर गड्ढे में गाड़ी फंस जाने से लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। वहीं वाहन स्वामियों में काफ़ी आक्रोश है कि जहां सरकार गड्ढा मुक्त करने के लाख दावे करती है, वहीं अहरौला बाईपास पर गड्ढे सरकार के दावों की पोल खोलते दिख रहे हैं। देखिए आजमगढ़ से सर्विलांस खबर, संवाददाता शिव जन्म यादव की खास रिपोर्ट। मैं शिव जन्म यादव से मौजूद हूं अहरौला बाईपास पर। यहां की हालात इतनी जर्जर हो चुकी है कि अक्सर यहाँ गाड़ी पलट जाती है, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। बताए क्या समस्या है आपको? यहाँ पर दो दो फुट गड्ढे हुए हैं और वहाँ रोज डेली गाड़ियाँ फंसती हैं। यहाँ कल आज सुबह उलट रही गाड़ी, तरह रोटी की बात कोई जो ध्यान नहीं दे रहा है। अक्सर यहाँ एक्सीडेंट भी होता है क्या? हाँ, यहाँ पर जो है गाड़ी। तो जगह कौन सी है? जगह कौन सी है? चौक है, ये बाईपास है। बाईपास कहाँ? अरोला बाईपास है, अरोला बाजार का बाईपास है। कब से रोड खराब है बताइए? ये जो है कई महीनों से खराब है। कोई शासन प्रशासन के लोग चलते कोई ध्यान नहीं दिया? कुछ ना होता है, कुछ नहीं होता है। आप लोग यहीं पर रहते हैं क्या? यही रहते हैं, हम लोग रहने वाले यही। क्या समस्या होती है आप लोगों को बताइए? बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है। हम लोग यहाँ रोड यहाँ गाड़ियाँ गिर जाती है, लेकर एक्सीडेंट हो जाता है, लोग बाइक लेकर गिर जाते हैं। दो पानी भी लगा रहता है यहाँ पे, हमेशा पानी लगा रहता है। कैसे दिया हम लोग विपत्त में आए, क्यों पानी चलते हैं? क्यों नहीं इंक्वायरी कर रखा है बनवावट में?